गुड मॉर्निंग ऑल आज के क्लास में हम लोग एक नए बिंदु पे चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लासरूम मैनेजमेंट पे डिस्कस किया था और उस क्लासरूम मैनेजमेंट के भीतर से एक क्वेश्चन अराइज हुआ था और वो था कि वाट इज़ क्लासरूम नॉर्म्स कि क्लासरूम नॉर्म्स क्या है तो हम कह सकते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड विद द क्लासरूम यानी कि क्लासरूम से जितने भी नियम और कानून जुड़े हुए हैं वो क्लासरूम नॉर्म्स कराते हैं जैसे कि हम हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं कि क्लासरूम के भीतर बहुत सारे नियम होते हैं जैसे कि स्टूडेंट का अपने टीचर से परमिशन लेके क्लासरूम के बाहर जाना या क्लासरूम से बाहर जाने के बाद भीतर आने के लिए भी टीचर से परमिशन लेना होता है तो वो क्या है क्लासरूम नॉर्म्स है आप डायरेक्ट कहीं क्लासरूम से उठ के बाहर नहीं जा सकते हैं और ना ही डायरेक्ट आप क्लासरूम में इंटर कर सकते हैं तो वो क्लासरूम नॉर्म्स का एक एग्ज़ाम्पल है ठीक वैसे ही और भी बहुत सारे चीज़ हैं जैसे कि क्लासरूम में आप प्रेम और सद्भाव बना के रहिए क्लासरूम में आप शोरगुल नहीं कीजिए यानी कि क्लासरूम के भीतर आप किसी भी तरीके का ऐसा कोई चीज़ उल्लंघन नहीं कीजिए ऐसा किसी बात का उल्लंघन नहीं कीजिए जिससे आपको तकलीफ हो ठीक वैसे ही उसमें अगर हम एग्जामिनेशन एक्जा, हॉल की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है एग्जामिनेशन हॉल में यही होता है कि आपको मना किया जाता है पहले ही कि आपको किसी तरीके का इलीगल वर्क नहीं करना है यानी कि चीट पुर्जा का यूज़ नहीं करना है किसी से पूछताछ नहीं करना है यहाँ तक कि आपको अपना इंस्ट्रूमेंट खुद अपने साथ लेके जाना है जैसे पेन पेंसिल रबर कटर वगैरह तो यही सब चीज़ क्लासरूम नॉर्म्स का एग्ज़ाम्पल है इसमें इस नॉर्म्स में ये भी आता है कि बच्चे सही व्यवस्था में उचित पोस्चर में बैठे हैं कि नहीं बच्चे किसी दूसरे को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं या बच्चे क्लासरूम को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं ये सब क्लासरूम नॉर्म्स के भीतर आता है मैं अब मैं आशा करता हूँ कि क्लासरूम नॉर्म्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सारे लोगों को समझ में आ चुका होगा अब हम आते हैं आज के क्लास के ऊपर तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक महान दार्शनिक का जो कि एक शिक्षक भी थे जिनका नाम था जोहन हेनरिच पेस्टालोजी ये दार्शनिक थे एक शिक्षक भी थे जो स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते थे यानी कि एक ये ये, ये, ये ये एक स्विस टीचर थे और इनका जन्म 1746 में हुआ था और मृत्यु अठारह सौ ईस्वी में हुआ था अब हम बढ़ते हैं इनके जीवन कार्य के बारे में उससे पहले जो पेस्टोलॉजी के द्वारा एक लाइन दिया गया था जो था कि एजुकेशन इज़ अ नेचुरल हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इन एट पावर्स यानी कि शिक्षा मनुष्य की समस्त शक्तियों का स्वाभाविक समरसतापूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है ठीक है जो अगर एजुकेशन की बात हम करते हैं तो वो मनुष्य का जो समस्त शक्ति है उसका स्वाभाविक समरसतापूर्ण एवं प्रगतिशील विकास है ओके अब हम आते हैं इनके जीवन परिचय पे, लाइफ स्केच पे। तो जॉन हेनरिच पेस्टालोजी का जन्म सन सत्रह में स्विट्ज़रलैंड के जीवरिक नामक नगर में हुआ था स्विट्ज़रलैंड में एक जीवरिक नाम का शहर है वहीं पे इनका जन्म हुआ था वे महज पाँच साल के ही थे कि उनके पिता का देहांत हो गया जो कि एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे इसलिए उनका लालन पालन जो है उनकी माता के द्वारा हुआ और उनके दादा जो कि पड़ोस के गांव में पादरी थे तो अपने इन दोनों अभिभावकों अभिभावकों के सद्गुणों से प्रभावित होकर उनके मन में अपने दलित और असंस्कृत भाइयों को पढ़ा लिखा कर ऊपर उठाने की भावना जागृत हुई चूँकि माँ और दादाजी यही दोनों उनका पालन पोषण किए थे तो जितने भी दलित और असंस्कृत उनके अगल बगल के पास पड़ोस के लोग थे उनको पढ़ाने और लिखाने का इनका मन किया उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल से हुई उसके बाद वे विश्वविद्यालय में एडमिशन लिए एडमिशन तो विश्वविद्यालय में ले लिए लेकिन वो अपना विश्वविद्यालय का शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाए और वो असफल हो गए उसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई प्रारंभ की जिससे जनता के अधिकारों की रक्षा की जा सके वो कानून की पढ़ाई करें किए ताकि वे जो जो भी उनके आसपास के लोग हैं उनकी रक्षा कर सके सन सत्रह ईस्वी में कृषकों की दयनीय स्थिति से परेशान होकर उसने नायहोफ में कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया और कृषकों को खेती के नए आयामों को बताना प्रारंभ किया किंतु उचित प्रबंध न होने के कारण उन्हें क्षति उठानी पड़ी अब बात है कि सत्रह सौ उनहत्तर की उस समय ये क्रिस, जो भी किसान भाई इनके थे उन लोगों की दयनीय स्थिति को देखते हुए नाय नायहोफ एक जगह है स्विट्जरलैंड में वहाँ पे ये कृषि कार्य प्रारंभ किए और सारे किसानों को मोटिवेट करना शुरू किए नए नए टेक्नोलॉजी को यूज़ करना बताने लगे लेकिन चूँकि वहाँ का प्रबंधन सही नहीं था तो उनको बहुत सारा क्षति उठाना पड़ा और वो सक्सेस नहीं हो पाए फिर सत्रह में वे सत्रह वर्षों के निरंतर प्रयास से उ, उसने जो विचार सिद्धांत रूप में एकत्रित किए थे उन्हें व्यवहारिक रूप देने का अवसर उन्हें मिला सत्रह में जब सत्रह वर्ष के निरंतर प्रयास के बाद जो भी विचारधारा जो भी सिद्धांत इन्होंने प्रैक्टिकल किया था उन्हें व्यवहारिक जीवन में लाने का इनको मौका मिला स्विट्ज़रलैंड में हुए युद्ध के फलस्वरूप स्टेंज नामक गांव में एक अनाथालय स्थापित किया गया जिसका कार्यभार संभालने के लिए पेस्टोलॉजी को चुना गया उस दौरान स्विट्ज़रलैंड में एक युद्ध हुआ था उसके फलस्वरूप स्टेंज नामक एक जगह था एक गांव था जहाँ पे अनाथालय स्थापित किया गया और उसका कार्यभार किसको दे दिया गया पेस्टोलॉजी को उन्होंने वर्ष उन्होंने वहाँ पर 80 बच्चों के शिक्षण की एक नई विधि निकाली जिसे अनशांग शिक्षण विधि या प्रिंसिपल ऑफ अनशांग कहते हैं तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अनशांग शिक्षण विधि के जन्मदाता कौन थे तो पेस्टोलॉजी सीटेट में बहुत बार होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है यह विधि प्रत्यक्ष अनुभव एवं निरीक्षण पर आधारित थी अब जो अनसांग शिक्षण विधि थी वो किस चीज़ पर आधारित थी प्रत्यक्ष अनुभव एवं निरीक्षण पर यानी कि जो आप अपने आँखों के सामने महसूस कर रहे हैं या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उस चीज़ पर आधारित थी परंतु सरकार ने वह भवन छः महीने के अंदर वापस ले लिया और पेस्टोलॉजी को वह जगह छोड़ जाना पड़ा 1799 ईस्वी में बगडॉर्फ में उन्होंने एक सहायक शिक्षक का पद स्वीकार किया तो पिस्टोलॉजी 1799 में सहायक शिक्षक के पद पर चुने गए वहां उन्होंने शिक्षण संबंधी विचार को व्यवस्थित और उन्नत तथा प्रभावशाली बनाया उन्होंने व्यवहारिक रूप प्रदान किया यहाँ पर अपना प्रसिद्ध उद्देश्य भी व्यक्त किया अब उनका एक प्रसिद्ध उद्देश्य था जो क्या था वो था कि मैं शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाना चाहता हूँ ये एक लाइन है जो पेस्ट्रोलॉजी के द्वारा दिया गया था कि मैं शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाना चाहता हूँ उसने शिक्षण विधि एवं विचार से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना भी की अब इसके साथ साथ जो पेस्ट्रोलॉजी हैं वे बहुत सारे ग्रंथों और विचारों की रचना भी करते हैं इससे पेस्टोलॉजी की ख्याति जो है जो गुड़विल है पेस्टोलॉजी की मान सम्मान है वो दूर दूर तक पहुंच जाती है किंतु 1824 सौ ईस्वी में उसे यह विद्यालय भी बंद करना पड़ देता है अब जब यह विद्यालय 1824 ईस्वी में बंद हो गया उसके ठीक तीन साल बाद सन 1827 सौ ईस्वी में वह इस संसार से विदा हो जाते हैं तो ये रहा उनका जीवन कार्य कि वे कब जन्म लिए कब कहाँ पढ़ें कहाँ बढ़ें या कहाँ पे कार्य किया ये सब अब कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो पिस्टोलॉजी के द्वारा दिए गए हैं और वो वो हैं जिसमें पहला आता है 1780 सौ सौ अस्सी में एक रचना उनका आता है द इवनिंग आवर्स ऑफ अ हर्मिट ठीक उसके एक साल बाद सत्रह में आता है लर्न एंड गर्टर ठीक उसके एक साल बाद सत्रह में आता है क्रिस्टोफर एंड एलिजाबेथ ठीक उसके एक ठीक उसके बाद 1801 ईस्वी में आता है लेटर्स टू ग्रीव्स फिर 1801 ईस्वी में एक और आता है हाउ गर्टर टीचर्स हर चिल्ड्रेन तो ये जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो किसके द्वारा थी पेस्टोलॉजी के द्वारा जो बहुत बार एग्जामिनेशन में भी आता है कि ये रचना किस शिक्षाविद के द्वारा दी गई है उसके बाद हम लोग इनके सिद्धांत के ऊपर बात करते हैं कि पेस्टालॉजी के शिक्षा सिद्धांत क्या थे तो पेस्टॉलॉजी के समय में समाज तथा शिक्षा की दशा बहुत ही दयनीय थी सोचनीय थी अतः पेस्टोलॉजी ने शिक्षा में सुधार करके तत्कालीन समाज की दशा में सुधार लाने का प्रयास किया तो पेस्टोलॉजी यहाँ चाहते हैं कि जो भी उनका समाज है उसका सुधार किया जाए और वो प्रयास भी करते हैं पेस्टोलॉजी ऐसे पहले शिक्षा शास्त्री हैं जिन्होंने सार्वजनिक शिक्षा की बात कही है अब देखिए यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आराइज होता है कि सार्वजनिक शिक्षा की बात सबसे पहले किसने की तो आंसर क्या होगा पेस्टोलॉजी ने सार्वजनिक शिक्षा की बात सबसे पहले कौन किया तो पिस्टोलॉजी ने उसके बाद है कि वह शिक्षा के माध्यम के दौरान वह शिक्षा के माध्यम के द्वारा साधारण सॉरी उनका मानना था कि शिक्षा की परंपरागत विधियाँ उसके सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है यानी कि जो भी ट्रेडिशनल टेक्निक थी शिक्षा की वो अपने सिद्धांतों के अनुकूल नहीं मानते थे वह शिक्षा के माध्यम के द्वारा साधारण व्यक्तियों की दयनीय दशा को सुधारना चाहते थे पिस्टोलॉजी शिक्षा के माध्यम के द्वारा ही जो भी साधारण व्यक्ति हैं उनके दयनीय दशा को सुधारना चाहते थे उसके द्वारा प्रतिपादित शैक्षिक सिद्धांत निम्नलिखित हैं अब जो शैक्षिक सिद्धांत है पिस्टोलॉजी के द्वारा हम लोग उसकी बात करते हैं तो पहला पिस्टोलॉजी के अनुसार बालक की शिक्षा सहज तथा स्वच्छंद वातावरण में होनी चाहिए किंतु विद्यालय का रूप परिवार जैसा होना चाहिए अब ये मानते हैं कि बालक का जो शिक्षा है वो बहुत ही आसान सरल और सहज और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में होनी चाहिए और साथ ही साथ विद्यालय का जो फॉर्मेशन है वो परिवार के जैसा होना चाहिए उनके विचार से माता पिता के स्नेह से ओतप्रोत स्वाभाविक वातावरण में बालक में विश्वास रुचि तथा निष्ठा विकसित होती है जैसे कि घर घर परिवार में बच्चों का जो मान सम्मान और प्यार मिलता है बच्चों को गार्जियन की तरफ से तो जो भी बच्चों के भीतर विश्वास रुचि और निष्ठा विकसित होते हैं उसी तरीके का वातावरण विद्यालय में भी दिया जाए पेस्टोलॉजी ने लिखा है कि जैसे वृक्ष बिना जड़ के नहीं बढ़ सकता उसी प्रकार बालक बिना विश्वास और प्रेम के उन्नति नहीं कर सकता बात ठीक भी है कि वृक्ष कोई भी हो बिना जड़ के बड़ा नहीं हो सकता ठीक उसी प्रकार किसी भी बच्चे के भीतर विश्वास और प्रेम का होना जरूरी है तभी वो उन्नति कर सकता है अपने जीवन में पेस्टोलॉजी ने इस अमानवीय तथ्य एवं मनोवैज्ञानिक सत्य की ओर ध्यान आकर्षित किया था बालक को आरंभिक शिक्षा परिवार में देने की बात कही है तो यहाँ पे फिर से वही बात आती है कि बच्चों का जो प्रारंभिक शिक्षा हो वो परिवार के भीतर हो ताकि उनके भीतर विश्वास रुचि और निष्ठा बढ़ सके अब आता है सेकेंड बात कि सेकेंड सिद्धांत क्या है पेस्टोलॉजी का तो पेस्टोलॉजी ने लिखा है कि एक छोटा सा बीज जिसमें संपूर्ण वृक्ष का स्वरूप निहित है स्वरूप निहित है वो दिया जाता है वह उपयुक्त वातावरण पाकर संपूर्ण वृक्ष बन जाता है बालक भी बीज के समान है बालक भी ठीक ठीक उसी बीज के समान है बालक में वे सब शक्तियाँ छिपी हैं जो उसके जीवन काल में विकसित होने वाली हैं तो पिस्टोलॉजी के अनुसार बालक जब जन्म लेता है तो उसमें कुछ मूल प्रवृत्तियाँ एवं बौद्धिक तथा नैतिक शक्तियाँ निहित होती हैं जो कि उसके हेरिडिटी से मिलती हैं अनुवांशिकता से मिलती है बालक की शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए जो बालक की बौद्धिक नैतिक एवं रचनात्मक शक्तियों का सामंजस्य पूर्ण विकास करे तथा उनमें पूर्णता लाए यहाँ पे बौद्धिक नैतिक और रचनात्मक शक्ति में कोऑर्डिनेशन लाने की बात की जा रही है उसके बाद है थर्ड कि शिक्षा क्रमिक होनी चाहिए जिस प्रकार प्रकृति में सभी वस्तुएं एक क्रम में बढ़ती हैं उसी प्रकार बालकों की शिक्षा में भी एक क्रम रहना चाहिए बालकों की शिक्षा में उनकी विभिन्न अवस्थाओं रुचियों विशेषताओं तथा सीमाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए इसके लिए उन्हें सरल विषय पहले पढ़ाए जाने चाहिए अब ये कैसे होगा तो जो शिक्षा का क्रम है आ, सरल से कठिन की ओर एक टर्म आता है सिद्धांत कि सरल से कठिन की ओर यानी कि बच्चों को पहले सरल सरल चीज़ों को बताया जाना चाहिए ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और ठीक उसी सरल सरल चीज़ों को बताते बताते आप उसका लेवल हाई कीजिए अगर हम लोग इसको ग्राफ से समझ सकते हैं तो कह सकते हैं कि ये ग्राफ है जिसमें इस इस बिंदु पर अगर कोई स्टूडेंट है तो सरल से कठिन की ओर बच्चे को बढ़ना चाहिए ताकि वो उसका कॉन्सेप्ट अच्छा हो स हो सके उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार है शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है शिक्षा देने के संबंध में मानव मानव में कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए यानी कि इक्वालिटी की बात की गई है कि शिक्षा हर एक बच्चे का हर एक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है अगर वो जन्म लिया है इस धरती पर तो शिक्षा उसका अधिकार है और उसमें किसी भी तरीके का भेदभाव किसी के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए अतः पेस्टोलॉजी ने सार्वजनिक शिक्षा पर बल दिया है तो यह सार्वजनिक शिक्षा का ही एक आ, बात है जो पेस्टोलॉजी के द्वारा किया गया है फिफ्थ है कि ज्ञान में मनोवैज्ञानिक तत्व तो होना चाहिए न कि तार्किक जो भी बात हो वो मनोवैज्ञानिकता के आधार पर आधारित हो रस्क के अनुसार पेस्टोलॉजी का उद्देश्य शिक्षण की सच्ची प्रकृति की खोज करना था ताकि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर निर्देशन को आधारित किया जा सके और ऐसी शिक्षण पद्धति का निर्माण किया जा सके जो पूर्णतः तो मनोवैज्ञानिक हो यानी कि पेस्टोलॉजी हमेशा से यही चाहते थे कि जो भी शिक्षा की बात की जाए या जो भी शिक्षा की खोज की जाए वो मनोवैज्ञानिकता पर आधारित हो इस प्रकार शिक्षा को मनोवैज्ञानिक रूप देने वाला यह प्रथम विचारक था तो एक क्वेश्चन कुछ, फिर से अराइज़ होता है कि शिक्षा को मनोवैज्ञानिक रूप देने वाला प्रथम विचारक कौन था तो आंसर होगा पेस्टोलॉजी आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे कैसे भीतर से हम लोग क्वेश्चन अराइज करते जा रहे हैं और साथ ही साथ उसका आंसर भी देखते जा रहे हैं अब यहाँ पर हम लोगों ने पेस्टोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी हासिल की अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेस्टोलॉजी का जो भी पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार शिक्षा का अर्थ है पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है और करिकुलम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए पेस्ट्रोलॉजी के अनुसार उन सब बातों को देखेंगे थैंक यू